History is the demon of the past. True strategy is the camp of the Lord, or the rich of the Lord. सौ 60 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों वायुमंडल के शुष्क झाले इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक वॉल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स इस सागर लाइन का सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टाइटलॉस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एपियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिल चिट्टे बीगल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश गोयले ही कार्बन 13 युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोडन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी।
डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो किलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। ब्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरसृप यूडिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आक्रमण करने स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंक हुआ करता था जिससे वो एवं ओपीराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तीन धावकों की तरह तोड़ सकते हैं। पैरासोलॉफस और कोरिथोसॉरस के स्तर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरानोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेस्टा और कोटवाराडा के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्दा का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। फलस्वरूप विशालकाय डायनासोर और डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूरोपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायनाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहाँ मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुव पर बर्फ की चादर पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाते तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंड, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। उष्णकटिबंध आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडॉन जैसे विशाल प्राणी जो है उन दिनों मौजूद थे। सिर दूध वाले और विशाल सिंह वाले जल के शान से जल करते संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में भी अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दान आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं खा सकते थे, फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस तरह से आधुनिक काल का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर आप अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ध्रुव पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरमा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले ध्रुव पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के